टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज देश के लिए बेहद खास दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से शपथ लेंगे, मंत्रिमंडल का गठन होगा, क्योंकि आज 7 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह है। तो पंडित जी, ये खास योग क्या कहता है, क्योंकि देश की निगाहें भी इस पर टिकी हुई हैं, तो अगले 5 साल देश के लिए, सरकार के लिए कैसे रहने वाले हैं? दुर्लभ संयोग में होगा भारत के नए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह। जी हां दोस्तों, दुर्लभ संयोग में होगा भारत के नए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते समय बन रहा बड़ा ही दुर्लभ और चमत्कारिक संयोग। आज दिनांक 30 मई सन 2019 को अपरा एकादशी है, परम मधुसूदन द्वादशी लग जाएगी जब वो शपथ लेंगे। रेवती नक्षत्र रहेगा, सौभाग्य योग रहेगा और सूर्योदय से संपूर्ण दिन रात सर्वार सिद्धि योग रहेगा। साथ में शाम को 7 बजे शुभ का चौगड़िया भी रहेगा और पंचक समय का भी उसमें योगदान रहेगा। तो इन सब का बड़ा ही दुर्लभ और चमत्कारिक संयोग बन पड़ा है। ऐसे दुर्लभ और चमत्कारिक संयोग में भारत देश के नए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अगले 5 वर्ष के लिए राज कार्य का चार्ज लेना, देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेना, देश और दुनिया की सुख शांति तरक्की समृद्धि के लिए शुभ रहेगा। ऐसे शुभ समय में नई सरकार के मुखिया के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शपथ ग्रहण करने से, शपथ लेने से अगले 5 वर्ष पूरी दुनिया में बजेगा भारत का डंका। अगले 5 वर्षों में भारत बनेगा विश्व की महाशक्ति। अगले 5 वर्षों में भारत में कृषि, रोजगार, सैन्य शक्ति, आर्थिक संपन्नता, शिक्षा, मेडिकल इत्यादि सभी क्षेत्रों में होगी जबरदस्त सकारात्मक वृद्धि। अगले 5 सालों में गरीबों को मिलेगा अपने स्वयं का घर, मिलेगी गरीबी महंगाई से मुक्ति, आतंकवादी भागेंगे भारत की धरती से कोसों दूर, व्यापारियों की होगी चांदी ही चांदी। जी हां दोस्तों, आज दिनांक 30 मई सन 2019 को शाम 7 बजे वृश्चिक लग्न की कुंडली बन रही है। साथ में श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म भी वृश्चिक लग्न में ही हुआ है। तो आज जब शपथ ले रहे हैं तब वृश्चिक लग्न है और जब वो जन्मे थे तब भी वृश्चिक लग्न था। तो ऐसे दुर्लभ संयोग में जिसमें जन्म लग्न और शपथ लग्न दोनों ही वृश्चिक लग्न हो, तो ऐसे समय में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ताकतवर डिसीजन मेकिंग नेता के रूप में उभरेंगे। मोदी जी के निर्णय लेने की क्षमता देश और देश की जनता के प्रति समर्पित रहने से भारत चहुमुखी विकास करेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा, आतंकवादियों पर कठोर प्रहार होगा। और साथ साथ में दोस्तों, मोदी जी की कुंडली में बना शत्रुहंता योग, इसीलिए इनके विरोधी हो या शत्रु, कोई भी मोदी जी का कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। खास बात यह है कि जो भी मोदी जी का विरोध करता है, ये शत्रुहंता योग विरोधियों के अस्तित्व पर ही ग्रहण लगा देता है। तो आज दुर्लभ संयोग के अंदर भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा शपथ ग्रहण करना निश्चित तौर पर देश और दुनिया के लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। तो आने वाले 5 साल हम सभी के लिए, पूरे देश के लिए, सरकार के लिए कैसे होंगे, प्रधानमंत्री के लिए कैसे होंगे, ये तो पंडित जी आपने बता दिया। और अब आखिर में आज का दिव्य मंत्र आपसे लेना चाहेंगे। दोस्तों, आज अपरा एकादशी है, बड़ा ही दुर्लभ दिन है। आज के दिन एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के जाने अनजाने में संचित पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। आज एकादशी का व्रत करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और ऐसे समय में यदि आप धन के संकट से
जूझ रहे हो, कर्ज मुक्ति चाहते हो, माँ लक्ष्मी का परमानेंट आशीर्वाद चाहते हो, तो आज का दिव्य मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओम श्री धनेश्वराय नमः, ओम श्री धनेश्वराय नमः, ओम श्री धनेश्वराय नमः। लाभ क्या है इस मंत्र के जाप करने से? इतना बरसेगा धन कि घर की व्यापार की तिजोरी अलमारी भी पड़ने लगेगी छोटी। व्यापार में लाभ प्राप्त करने के लिए विष्णु भगवान का ये मंत्र बड़ा ही चमत्कारिक लाभ दिला सकता है। धूप दीप जलाकर पीले आसन पर बैठकर 108 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है और तुलसी की माला से करें तो निश्चित तौर पर पद, पैसा, यश, प्रतिष्ठा, उन्नति आपके कदमों में होगी। इस मंत्र का जाप आपको करोड़पति बना सकता है, अरबपति बना सकता है। बिल्कुल, तो आज का दिव्य मंत्र हमने जान लिया और कैसा आने वाले 5 साल हम सभी के लिए सरकार के रहेंगे ये भी हमने जाना। तो उम्मीद करते हैं कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। पंडित जी स्टूडियो में आने के लिए और इतनी जानकारी देने के लिए शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है, समाधान जानना चाहते हैं, तो आप हमें सोमवार से शनिवार कॉल कर सकते हैं। आपसे फिर मिलेंगे, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।